कैमरा छोड़ो, इधर आ, इधर आ। आफत का फंदा हमें जकड़ चुका था, हम फंस चुके थे। ये कोई रस्सी का तो कौन है? कौन है? सब कुछ हमारी सोच से उल्टा हो रहा था। वो जहाँ से उल्टा हुआ, पकड़ो इसको, अच्छे से पकड़ो, ठीक है ना? मैं इसे पकड़ने निकाल के आ रहा हूँ। हम थे देश के सबसे खतरनाक और घने जंगल में, खोज रहे थे श्री राम की वनवास यात्रा का वो पथ जो आज तक राम सर्किट के नक्शे से नदारद है। कुछ शोध करने वालों ने हमें बताया था वो इलाका छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य और महाराष्ट्र की पंचवटी के बीच ओडिशा के मलकानगिरी जंगल में है, जो रामायण काल में दंडक वन का हिस्सा हुआ करता था। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये हर कोई जानता है। श्रीलंका जिसे प्रभु श्री राम ने जीता, ये भी हर किसी को पता है। लेकिन क्या आप उस नगरी, उस गांव के बारे में जानते हैं जिसे श्री राम ने बसाया था? नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ, और आज मैं ओडिशा के मलकानगिरी में मौजूद हूं, जिसे माल्यवंत गिरी के नाम से पुराणों में लिखा गया है। ये वही जगह है जिसका जिक्र बेशक आपको राम सर्किट में ना मिले, लेकिन यहाँ एक हिस्सा आज भी इन पहाड़ों में, इन जंगलों के खतरों को पार करने के बाद मौजूद है, जिसे माना जाता है कि किसी और ने नहीं बल्कि इसे खुद प्रभु श्री राम ने बसाया था। जहाँ आज भी कुछ परिवार रहते हैं, और उनका ये मानना है कि ये माटी है प्रभु श्री राम की। आइए माल्यवंतगिरी यानी कि मलकानगिरी के उस गांव का दृश्य आज पूरे भारतवर्ष के सामने लेकर आते हैं, और आपको दिखाते हैं कि आखिर वो नगरी, वो शहर, वो गांव कैसा नजर आता है जिसे प्रभु श्री राम ने बसाया था, और जो त्रेता युग से अब तक वहां जस का तस बना हुआ है। राम सर्किट पर सालों से शोध हो रहा है। अयोध्या से लंका तक नक्शे पर लकीरें भी खिंच चुकी हैं, लेकिन हम जिन निशानियों की खोज में निकले थे उसकी जानकारी आम लोगों को अभी तक नहीं है। कहते हैं एक गुफा में श्री राम और मां सीता की दिव्य प्रतिमा है, जिसे लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से बनाया था। वहां शिला पर प्रभु राम के चरण चिन्ह भी मिलते हैं। वहां रामचंद्र जी का पद चिन्ह है और कुछ कुछ है, तो वहां जाने से सब लोग बोलते हैं, जो लोग गए तो वहां रामचंद्र जी का फीलिंग आता है। एक कुंड है जिसे सीता जी इस्तेमाल करती थी, जिसका पानी कभी कम नहीं होता। कहते हैं नागराज आज भी उस कुंड की रक्षा करते हैं। एक नाग है जो हम साधारण भाषा में किंग कोबरा कहते हैं, वो वहां रहते हैं और वो कुंड का वो रखवाली करता है। बियाबान जंगल में 12 घरों का एक गांव है जिसे श्री राम ने बसाया था।
आज भी गांव वाले अपने भगवान से किया एक वादा निभाते हैं, श्री राम की खींची हुई सीमा रेखा से बाहर कभी कदम नहीं रखते। वो जो गांव है ना, वो गांव श्री राम ने बसाया है। उधर का लोग ये मानते हैं यह श्री राम बहुत साल पहले आए थे और इसे ठहरे हुए थे, और उसका बहुत सारा मूर्ति या कुछ सबूत भी इसी पे मिलता है। इसलिए वो लोग यही से कहीं पे नहीं जाते हैं। बोले कि वो लोग बोलते हैं इतना जंतु जानवर है, लेकिन फिर भी वो लोग बोलते हैं हम यही रहेंगे, क्योंकि ना राम जी हमको यहाँ बैठाया है। अगर निशानियां सच्ची हैं, स्थानीय लोगों को जानकारी भी है, तो आज वो राम सर्किट का हिस्सा क्यों नहीं है? तो लोगों ने कहा, जानकारी तो पूर्वजों से मिली थी। वो इलाका इतना खतरनाक है कि आज भी वहां जाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। गांव है वो पता है, हमको पता नहीं है कितने लोग रहते हैं, गांव का नाम है वो कुछ भी पता नहीं है। वो बोलते हो श्री राम ने बसाया, वो वहीं पे रहेंगे, वो कभी ना नीचे आते हैं कहीं कर कुछ करते हैं, उधर ही रहते हैं। हम तो आपको यही सलाह देंगे, ट्राई मत कीजिए, मत ही जाइए। आप जहाँ से वहीं पे चले जाइए। ऐसे कैसे वापस लौट जाते? माना खतरे हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन रामायण से जुड़े दृश्यम को खोजने का मौका हम कैसे गंवा देते? हम जिस हिस्से में हैं, ये दंडकारण्य का हिस्सा है, उसका जंगल है, यानी वो जगह जहाँ प्रभु श्री राम ने वनवास के तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का वक्त यहाँ गुजारा था। यहाँ भी जो तापमान है वो 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, और अभी दोपहर का वक्त है। बावजूद इसके यहाँ सूर्य की रोशनी को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है ज़मीन तक पहुँचने के लिए, यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फॉरेस्ट कितना डेंस है, और यही वजह है कि यहाँ खतरे भी उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। दंडकारण्य जंगल भले ही आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा तक सिमट कर रह गया है, लेकिन पौराणिक काल में इसका दायरा इससे कहीं बड़ा था, जिसका बाकी हिस्सा आज तेलंगाना, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच बढ़ चुका है। जंगल के नक्शे से बाहर निकले तो सबरी नदी से सामना हुआ। भारत वर्ष के दो राज्यों के बीच, यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश, उसके बीच बहती यह नदी इन दो राज्यों को अलग करती है। मेरे दाईं तरफ आप जो पहाड़ देख रहे हैं, जहां हमें जाना है, ये ओडिशा है। मेरी बाईं तरफ आप जो पहाड़ देख रहे हैं, जहां घने जंगल आपको नजर आ रहे हैं, हरे भरे जंगल नजर आ रहे हैं, यह आंध्र प्रदेश है। लेकिन हाँ, चाहे ये दो राज्य हो या भारतवर्ष के दूसरे राज्य ही क्यों ना हो, ये जुड़ते हैं एक कड़ी से, और वो कड़ी है श्री राम। सामने जिस पहाड़ से नदी की धारा बह रही थी, कहते हैं इसे पार करने के बाद श्री राम से जुड़े इलाके शुरू हो जाते हैं, लेकिन तेज धार से बचते हुए पहाड़ तक पहुंचना आसान भी नहीं था। इस बहाव में अगर मैं जाता हूं तो क्या हाल हो सकता है, आप देखिए। ये लकड़ी अगर मैं इस पर फेंकूं, वो एक सेकेंड में ही बहते हुए निकल जाएगी, पता भी नहीं चल रहा है कि वो कहां जा रही है।
मंजिल की मुश्किल राहें हौसला बढ़ाती हैं और हमारा मकसद तो श्री राम की निशानियों को खोजना था। ऐसे बड़े लक्ष्य के आगे हर चुनौती छोटी लगती है, लेकिन ये समस्या कुछ ज्यादा ही बड़ी निकली। सामने एक बड़ा झरना था। जिसे लांघने के बाद पहाड़ पर पहुंचेंगे। देखिए, यहाँ पे वाटरफॉल देखने को मिल रहा है और ये वाटरफॉल जो है ये चढ़ना पड़ेगा मुझे। इसको चढ़ने के बाद ही मैं ऊपर जा पाऊंगा। झरना ज्यादा ऊंचा नहीं था, लेकिन बड़ी चट्टानें हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। आप 10 किलोमीटर चलने पर जितना थका महसूस करते हैं, उतना थका मैं यहाँ पर इस वाटरफॉल को चढ़ने के बाद महसूस कर रहा हूँ। वजह है एनर्जी। पता नहीं श्रीराम से जुड़े साक्ष्य, वो गुफा, वो कुंड, वो गांव कितनी दूर थे। अभी तो पहला लक्ष्य पहाड़ के ऊपर पहुंचना था। अब मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां से मेरी मंजिल शायद ज्यादा दूर नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी नदी के सहारे जिस रास्ते को पार करते हुए हम पहुंचे हैं, यानी इस वाटरफॉल के करीब जब हम पहुंचे तो इस वाटरफॉल को चढ़ना, इसके ऊपर जाना। लेकिन अब यहाँ पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि आगे उतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। जंगल को हल्के में लेना हमारी भूल थी। हम सबसे घने और खतरनाक जोन में थे। नक्सलियों का हमला, जंगली जानवर, जहरीले सांप, ऐसे न जाने कितने खतरे हर वक्त सर पर मंडरा रहे थे। जंगल का कोर एरिया था। हर हलचल पर दिल कांप जाता। हर आवाज खतरे की आहट लगती। हम दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। तभी एक शिकारी के फंदे ने हमें जकड़ लिया। राजेश, राजेश, कैमरा छोड़ो, इधर आ, इधर आ। कैमरामैन राजेश दौड़ कर आए, लेकिन फंदा खोलने में नाकाम रहे। तभी झाड़ियों में से एक शख्स निकला। ये कोई रस्सी काटो, ये कौन है? अरे, कौन है? नहीं नहीं, रस्सी आपको नहीं काटना है, ये बंदा है। पकड़ो इसको, अच्छे से पकड़ो, ठीक है ना? सवाल का पकड़ने के बाद क्या आ रहा हूँ? खोलो खोलो। फंदे से निकलने के बाद जान में जान आई।
रुको 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 भाई, रुको, ऐसे नहीं खींचना, ज्यादा दर्द, आराम से। पता नहीं चला ना ये कैसे लगाया भाई, ये तो फंदा है, फंदा है बहुत। ओ फंदा, ये फंदा किसने लगाया होगा? ये फंदा तो लगा है यहाँ पे कुछ लोग हैं जंगल में, बुरे काम करने के लिए फंदा लगा था। जंगल में जानवरों को पकड़ने के लिए शिकारी ऐसे फंदे डालते हैं। शिकार के जाल ने हमें फंसा लिया था। कुछ देर के लिए दिमाग सन्न हो गया था, तब इस शख्स ने मौके पर आकर हमारी मदद की। आप कौन है? जंगल में तो हमें और कोई दिखा नहीं, लेकिन आप यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने हमें मदद की, आप हैं कौन? मुझे यहाँ पे उड़ीसा का जंगल में बोल के बोला जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश मंडल। थैंक यू राजेश। किस्मत ने हमें सही शख्स से मिलाया था। राजेश को ओडिशा का जंगल बॉय कहा जाता है। राजेश इस जंगल को अच्छे से जानते हैं और जंगल इन्हें अच्छे से पहचानता है। जब हमने अपना मकसद बताया तो राजेश खुशी खुशी हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जंगल बॉय को उस जगह की जानकारी थी, तब हमें पता चला कि हम गलत दिशा में जा रहे थे। श्रीराम नगरी की खोज हमने यहां से शुरू की थी। राजेश के मुताबिक वो गांव इधर था, लेकिन हम गलत दिशा में जा रहे थे। अब हमारा रास्ता सही था, इसका पहला सबूत चंद घंटे बाद ही मिल गया, और वो है शिला पर बना ये चरण चिन्ह। दावे के मुताबिक शिला पर युगों पुराने ये निशान श्री राम के हैं। राजेश पास आके दिखाओ ना, ये देख रहे हैं आप? सच में ऐसा लग रहा है कि दो पैरों के निशान हैं, जिनमें जैसे आम जन के पैर होते हैं, अंगूठे हैं, उंगलियां हैं, प्रॉपर एड़ी, ऐसा लग रहा है दो, जैसे यूं पैर रखा जाता है उस तरीके से यहाँ पर पैर रखा गया था। कहानी के मुताबिक वनवास के समय यहाँ श्रीराम का दरबार लगता था। गांव वाले अपनी समस्याएं लेकर आते थे और श्रीराम उनके दुख दर्द दूर करते थे। ये बहुत अद्भुत जगह है, ऐसा लग रहा है देखिए यहाँ पर जैसे कोई स्टेज बना रहा हो। ये आजू बाजू जो पूरा पत्थरों का मैदान दिख रहा जी, है पूरा, और उस पर ये सिंहासन जैसी एक जगह देखने को मिल रही है। ये मेरे ख्याल से सबसे ऊंचा पत्थर है आसपास जी, उसमें श्रीराम के पैरों के निशान जो बताए जाते हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमें नई ताकत मिल चुकी थी, मन ही मन तय कर लिया था अब चाहे कुछ भी हो जाए हम श्रीराम वनपथ के नए साक्ष्यों को खोज कर ही दम लेंगे। लेकिन जंगल की गर्मी हमें थका रही थी, शरीर से बहता पसीना हमें कमजोर कर रहा था। ये जो कीचड़ है हम लोग अपने बॉडी में अगर लगा लेते हैं हाँ, तो जितना भी मॉइस्चर उड़ रहा है वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, वो नहीं पाएगा बिल्कुल, और शायद मच्छर और कीड़ों से भी हमको राहत मिल जाए। देखिए इसकी स्मेल उतनी अच्छी नहीं है,
लेकिन हाँ, इसके जो फायदे हैं वो काफ़ी हैं। इस धूप में कम से कम ये हमें बचाएगा। देखिए, लगाते लगाते ही ये सूख रहा है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी गर्मी है और कितनी तेज़ धूप है। राजेश, चलें आगे। इस इलाके के एक तरफ छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य और दूसरी तरफ तेलंगाना का भद्राचलम है। दोनों जगह रामायण काल के कई साक्ष्य मिल चुके हैं। ये इलाका क्यों अछूता रह गया, मुश्किलों को देखकर समझा जा सकता है। दिन ढलने वाला था, सामने पानी दिखा तो कीचड़ साफ करने बैठ गए। देखिए, ये पूरी तरीके से सूख चुका था। पूरी तरीके से सूख चुका है। लेकिन अब हम हाथ धोएंगे ताकि आगे जा सके। एक सेकंड, आराम से राजेश भाई। सांप, 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 सांप। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। संदीप, ज़ूम करो, सांप है। हाँ हाँ हाँ, झाड़ियों में कोई सांप था जिसने राजेश को काट लिया था, लेकिन शुक्र है ये सबोला निकला। ये कौन सा सांप है? इसको ब्रोंसबैक ट्रीज नहीं बोला जाता है। ओह, ये खतरनाक है। बिल्कुल नहीं, अभी देखिए मेरे को यहाँ से काट लिया, यहाँ पे ब्लड दिख रहा होगा। हाँ, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। बाकी सब लोगों को लगता है कि ये जहरीला है। ये तो अच्छा, पेड़ पौधे से उड़ के जाता है ना। हाँ, बोलते हैं वही सांप है ये। ये जहरीला नहीं था, लेकिन इसके काटने से घाव हो सकता है। खतरा भांप सांप का ये बच्चा लगातार हमले कर रहा था। ओह, देखिए फिर से काट रहा है, काट रहा है संदीप। ओह, देखिएगा। फिर हमने इसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। हमारा सफर जारी था उस मंजिल के लिए जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। एक गांव जिसे भगवान राम ने अपने हाथों से बसाया था, सीता कुंड जिसकी रक्षा नागराज करते हैं, वो गुफा जिसमें श्री राम की अलौकिक प्रतिमा है। लेकिन जंगल में छाते अंधेरे ने रुकने का इशारा किया। राजेश, आप सनसेट हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि आप हमें कोई शेल्टर के लिए जगह देखनी होगी। बिल्कुल, क्योंकि जंगल में रात को हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल नहीं बढ़ सकते, जंगल इतना खतरनाक है। बहुत जल्दी हम लोगों को शेल्टर बनाना पड़ेगा। रात के वक्त जंगल में जमीन पर लेटना खतरनाक हो सकता है। एक मचान ही सुरक्षित जगह हो सकती है। मचान तैयार करते रात हो गई। ये बेड तैयार हो गया है, बस अब इस पर गद्दा बिछाया जा रहा है। ये गद्दा बिछ जाएगा, उसके बाद हम सो सकते हैं राजेश। ठीक, बस आराम से लेट जाओ। सही बनी बेड? बहुत बढ़िया बेड है। देखिए, इस पर आप आराम से सो सकते हैं। और ये लकड़ी इतनी लचीली है कि शुरू में आपको डर लग सकता है कि आप गिर रहे हैं, लेकिन ऐसा थैंकफुली हो नहीं रहा है। घने जंगल में गहरी रात के वक्त मचान पर सोना सुरक्षित होने का एहसास कराता है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हा,
जंगली जानवर हर वक्त मंडरा रहे थे, हमें शोर करके भगाना पड़ता। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। बड़ी मुश्किल से चंद घंटे ही सो पाए थे। अगली सुबह सफर की सबसे बड़ी चुनौती से सामना हुआ। सामने नदी की विकराल धारा रास्ता रोके खड़ी थी। तैर कर पार करना नामुमकिन था और नाव हमारे पास थी नहीं। अब तो एक ही रास्ता बचा था, हमें नाव बनानी पड़ेगी। केले के पेड़ इसमें मदद कर सकते हैं। थोड़ा खोजा तो दूर केले का एक बागान मिला। जरूर इसे पास के गांव वालों ने तैयार किया होगा। लेकिन ये बहुत ही बहुत छोटा है। छोटा है, ये खुद तैर जाएगी लेकिन हम लोग का वेट नहीं संभाल पाएगी। हमें बड़े पेड़ चाहिए थे जो हमारा बोझ उठा सके। यहां कुछ बात बनती दिखी। ये ठीक है। हाँ ये ठीक रहेगा। अच्छा ऐसा मोटा भी है। हाँ बिल्कुल छड़ा भी नहीं है। ये काटते हैं। हमें कम से कम 3 से 4 बड़े पेड़ों की जरूरत थी। एक के बाद एक 4 पेड़ काटे, फिर इन्हें नदी किनारे पहुंचाने में जुट गए। 1, 2, 3 बस बस बस, एक सेकेंड। देखिए जितना हल्का लग रहा है ये उतना हल्का है नहीं। और किसी को भी ये डाउट होगा कि ये पानी में तैरेगा कैसे। राजेश आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर हैं। अब क्या, ये तो हम ले आए। चारों को एक साथ रख के फिर इससे एक राफ्ट बनाना पड़ेगा, एक नाव बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए हम लोगों ने अभी सूखी लकड़ी की जरूरत होगा, लंबा लंबा स्ट्रेट। चलिए अंदर पेट से तोड़ कर लाते हैं। ये भी सही स्ट्रेट लकड़ी है ना। हाँ तो वाले नदी गहरी होती तो तैर कर पार कर जाते, लेकिन ये बहुत ज्यादा चौड़ी थी। नाव बगैर इसे पार करना असंभव था। और श्रीराम की उन अनदेखी निशानियों तक पहुंचने के लिए इसके पार जाना जरूरी था। केले के पेड़, कुछ लकड़ी और तने के छिलके से बनी रस्सी से हमारी नाव तैयार हो गई। काम चलाओ बना है, हम लोग ये काम चलाओ नाव से पार करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत रिस्की होगा। चलिए कोई ना, रिस्क लेते हैं। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ये एक बड़ा रिस्क था, लेकिन श्रीराम के वनगमन पथ से जुड़ी नई खोज के लिए हम हर खतरा उठाने के लिए तैयार थे। ऊपर आ, बहुत पूरी तरीके से उल्टी हो गई है। यहाँ तकरीबन 8-10 फीट पानी होगा गहरा। हाँ उससे भी ज्यादा। आगे इसकी गहराई और बढ़ रही है क्या? बिल्कुल बढ़ रही है। जब नदी के बीचों बीच जाएंगे वहाँ पे बहुत ज्यादा गहराई रहने वाला है। देखिए अभी कोने से हम निकले बस हैं। यहाँ पे थोड़ा बहाव तेज से पैर चलाना पड़ेगा। संतुलन बनाना था, नाव को आगे भी ढकेलना था, पानी के कीड़े मकोड़ों से भी बचना था। कई बाधाओं को पार करके
हम कई फीट चौड़ी नदी को पार करने में सफल रहे। आप इस कोने पे जा सकते हैं, यहाँ पे पानी कम है। अब हम रामायण की उन निशानियों के बेहद करीब थे जिसे जंगल के आदिवासियों के सिवाय किसी ने नहीं देखा था। अगर जंगल बॉय राजेश का साथ नहीं होता तो अकेले यहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता। तभी इस बियाबान में एक बुझा हुआ चूल्हा दिखा। ये मंजिल के करीब होने का इशारा था। एक बहुत ही बड़ा चूल्हा। बिल्कुल, ये चूल्हा ये बताने के लिए काफी है कि आसपास कोई बस्ती है। राजेश के मुताबिक हम सही दिशा और सही जगह पर थे। मंजिल चंद किलोमीटर आगे थी। यानी अब जिस नगरी की हम खोज कर रहे हैं वो इस पहाड़ के उस पार हो सकती है शायद। ओके, तो चलें आगे जी। यहाँ से सफर आपको अकेला ही करना पड़ेगा। क्यों, आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि पीछे शहर में या जंगल में पता नहीं कौन सा जानवर मेरा इंतजार कर रहा है। तो यही तक अपना साथ था। अब यहाँ से आप वापस जाएंगे? हम वापस जाएंगे। आप थोड़ा सेफ रहिएगा, जंगल थोड़ा खतरनाक। थैंक यू राजेश। थैंक यू जंगल बॉय। सेम है। चलिए, उम्मीद आपसे जल्द फिर हम मिलेंगे। कोशिश रहेगी। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। थैंक यू वेरी मच। चलो हम चलते हैं। सही से जाना, आराम से। चलिए बाय। जंगल बॉय का साथ यही तक था। इस मोड़ से हमारे रास्ते अलग हो गए। आगे की दुनिया अजीब थी। पता नहीं आखिरी बार बाहरी दुनिया के किसी इंसान ने यहां कब कदम रखा था। ठीक है, जिस जगह पर जाना है वो जगह कितनी दूर है या कितनी अंतस्त है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कहीं पे भी रास्ता तो छोड़िए कोई पगडंडी तक नहीं मिल रही है। और हमें ड्रोन उड़ाकर देखने की कोशिश करनी पड़ रही है कि आसपास कोई गांव है क्या। ड्रोन जैसे ही आसमान में लहराया दूर जंगल में एक गांव दिखा। थोड़ा और आगे बढ़ा तो कुछ घर दिखाई दिए। बिल्कुल घने जंगल के बीच बाकी दुनिया से बिल्कुल बेखबर। दावे के मुताबिक ये वही गांव था जिसे वनवास काल में श्री राम ने अपने हाथों से बसाया था। गांव तो देश के दूसरे गांव जैसा ही था। कहते हैं त्रेता काल में श्री राम कुछ दिन यहां रहे थे। आदिवासियों के 12 परिवारों को बसाया था। वक्त के साथ आबादी बढ़ती गई, खाने पीने जीने का अंदाज सब बदल गया। लेकिन श्री राम से जुड़ी इनकी आस्था आज भी जस की तस है। रामनंद दादा, आप यही इसी गांव में रहते हैं ना? हाँ, मैं यही गांव में रहता हूं। हमको बोले कि ये गांव श्री राम ने बसाया था। हाँ, ये गांव में तो हम जन्म बचा हम लोग पहले से आया हूँ। ये गांव तो नहीं छोड़ता। अच्छा, कोई नहीं छोड़ता इसको? हाँ, नहीं छोड़ता। तो ये जितना जब श्री राम थे यानी तब से अब तक यहाँ लोग रहते हैं ऐसे ही? हाँ, माटी में श्री राम है यहाँ, हर माटी में श्री राम। हाँ। अच्छा, इसीलिए आप लोग इसको छोड़ते नहीं है? हाँ, मैं छोड़ते नहीं। नहीं छोड़ेंगे इसको? नहीं छोड़ेंगे। ठीक है दादा, राम राम। कहते हैं ये उन्हीं 12 परिवारों के वंशज हैं जो श्री राम के साथ यहां रहते थे। कहते हैं उन लोगों ने अपने भगवान से एक वादा किया था।
वो इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उनके ये वंशज आज भी उस कसम को निभाते हैं। बदलाव की हवा भले गांव तक पहुंच गई, लेकिन ये लोग उस लक्ष्मण रेखा को लांघकर कभी बाहर नहीं गए जो कभी श्री राम ने खींची थी। दावे के मुताबिक गांव के आसपास ही कुंड और गुफा भी है। भैया यहाँ मतलब सीता जी राम जी का इन लोगों का सबका निशानी मिलता है क्या? मिलता है आसपास पूरे गांव में। हाँ अच्छा, हम लोग कैसे देख सकते हैं ये? जैसे अभी देखना चाहें तो इस गांव में कैसे जाना पड़ेगा, ये आप बता पाएंगे? क्या बताना है? अच्छा आप बताएंगे। हाँ? मतलब आप भी यहाँ रहते हैं, एक चीज बताइए। हम वो गांव खोज रहे थे, हमको बोले ये गांव जो है ये राम जी ने बसाया। राम जी ने बसाया? राम जी का ये गांव है। हाँ। देखिए हमको यही बताया था कि ये राम जी की नगरी। अच्छा एक बात बताइए, कितना परिवार रहते हैं यहाँ पे? 15-16 घर। और ये उसी समय से अब तक रहते जब से राम जी आए थे? तो वहाँ ठीक ठीक है ना। अच्छा हमको क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि देखा ऐसा तो कोई बोले ये राम जी का गाँव है तो कैसा होगा? तो यहाँ पे काम मूर्ति उर्ति है कुछ है? किधर है? उधर जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा और क्या है उसमें? पानी का नहाने वाला बहुत कुंड है। हाँ। किस साइड आप बता सकते हैं मेरे को? हाँ, देखाऊं। किधर? दिखाओ दिखाओ। उधर मंदिर में आज। अच्छा गांव वालों के मुताबिक वो कुंड और गुफा करीब ही है। अगर ये चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे निशानियां हैं तो वाकई मैं अभी तक इस बात को लेकर आश्चर्यचकित हूँ कि ये दृश्यम अब तक किसी रामपथ में या उस सर्किट में क्यों नहीं है जिस सर्किट का हिस्सा, वो तमाम हिस्से बताए गए हैं जहाँ जहाँ राम जी ने वक्त गुजारा था। ये दृश्यम अपने आप में अद्भुत होने वाला है, ये उम्मीदें बढ़ रही हैं। श्री राम की ये दुनिया पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद हो रही थी। अब बारी थी कुंड और गुफा की। दावे के मुताबिक जिसकी रक्षा नाग देवता करते हैं। गांव वाला हमें एक तरफ इशारा करके चला गया, हम उधर बढ़े। आगे एक बहुत बड़ा कुंड मिला। ओह, यहाँ है राजेश, जल्दी हो, जल्दी जल्दी। वाकई जैसा गांव के लोगों ने हमसे कहा था कि आप थोड़ा आगे जाइएगा, समतल जगह मिलेगी और समतल जगह पर आपको एक कुंड मिलेगा। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। और ये दृश्यम वाकई सोच से परे है, क्योंकि गांव वालों का मानना है कि ये किसी और का बनाया कुंड नहीं है, बल्कि ये वो कुंड है जिसमें खुद माँ सीता ने स्नान किया था। कहते हैं कुंड का पानी कभी कम नहीं होता। जब वनवास के दौरान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी गांव में रुके थे तब इस कुंड का इस्तेमाल करते थे। इतना जरूर है कि श्री राम यहाँ के लोगों के दिलों में ही बस बसते नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको पग पग पर हर वो चीज मिलेगी जो ये सीधे सीधे इशारा करती है कि ये जगह श्री राम की जगह है, ये उनकी बनाई हुई जगह है। ये कुंड श्री राम, उनके भाई श्री लक्ष्मण और माँ सीता के इस जगह पर रुकने के वक्त बनाया गया था जिसमें खुद माँ सीता ने स्नान किया था। कुंड के बिल्कुल करीब गुफा थी। दावे के मुताबिक इसी गुफा में श्री राम और मां सीता की वो अद्भुत प्रतिमा है जिसे लक्ष्मण जी ने बनाया था। जब गुफा में अंदर गए तो लगा हम अकेले थे।
लेकिन यहां कोई और भी था जो हमें घूर रहा था, एक सांप जो अपने बिल से हमें देख रहा था, मानो नजर रखे हुए है। क्या ये वही नागराज था जिसका जिक्र गांव वाले कर रहे थे? हम गुफा के अंदर घुसते चले गए। जब दूसरे सिरे से बाहर निकले तो सामने खुले आसमान के नीचे जमीन पर पड़ी एक मूर्ति दिखी। शिला टूटी फूटी थी जिस पर महिला का अक्स गढ़ा गया था, जिसे गांव वाले मां सीता का नाम देते हैं। बगल में एक और शिला थी जिसे श्री राम से जोड़ा जाता है। अब ये जो शिलाएं आप देख रहे हैं, इसमें इस शिला को सीधे सीधे रूप माना गया है प्रभु श्री राम का और माँ सीता का। बेशक ये वक्त के साथ, क्योंकि खुले में ये शिलाएं रखी हुई हैं, तो वक्त के साथ यहाँ पर जो आकृति थी वो थोड़ी धूमिल हो चुकी है। लेकिन बाजू में आप देखिए, यहाँ जो मूर्ति रखी हुई है, इसे यहाँ गांव के लोगों का कहना है कि ये माँ पार्वती का रूप है, और इसमें चार हस्त भी नज़र आ रहे हैं। अलग अलग जो अस्त्र हैं वो अलग अलग हाथों में उनके नजर आ रहे हैं। ये प्रतिमा कब से है, किसने बनाई, कोई नहीं जानता। गांव वालों की माने तो इसे त्रेता काल में लक्ष्मण जी ने बनाया था, जिसकी पूजा आज भी गांव वाले आस्था के साथ करते हैं। वापस जाने का रास्ता भी गुफा से होकर गुजरता है। हालांकि इस गुफा के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, सिर्फ गांव के लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। हालांकि आज भी गांव के लोग यहां पूजा करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी आस्था इस गुफा में है। जैसे ही गुफा के मुहाने पर पहुंचे, वो नाग अभी भी वहीं था, लगातार हमारी तरफ ही देख रहा था। जैसे ही बाहर निकले, वो अपने बिल में अंदर चला गया। हम वापसी की राह पर थे, लेकिन सफर से जुड़ी यादें साथ थी। शिला पर बने चरण चिन्ह, श्री राम का गांव, मां सीता का कुंड, युगों पुरानी वो प्रतिमा, और गुफा में हमें घूरने वाला वो सांप। दावे के मुताबिक ये सब श्री राम वनवास यात्रा के वो साक्ष्य थे जो राम सर्किट में जगह नहीं बना पाए। भले ही वैज्ञानिक रिसर्च की मुहर इन पर नहीं लगी, लेकिन राम भक्त आज भी इन साक्ष्यों में श्री राम का रूप देखते हैं।